अंबे तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे छप्पर वाली, तेरे ही खून गाए भारती ओ मैया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज था दशहरा और खिलाना था ब्राह्मण और कन्या भी खिलाना था, तो मैं वही बना रही थी खाना। तो मैं अरबी के पत्ते का ये भी बनाई हूँ, मम्मी बोली ये भी बना लो, तो मैं ये लपेट नहीं पाती हूँ, मम्मी करके दे दी थी, मतलब बेसन लगा के लपेटते हैं तो मुझे नहीं आता है ये, तो मम्मी करके दे दी थी, मैं बना रही थी। मैं इसे तल के बनाऊंगी और पूरा खाना मैं बना ली हूँ, लास्ट में यही बना रही थी, क्योंकि इसे ना पहले रखो उबलने के लिए ना तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं एक साइड में रख दी थी ये, जब तक उबल रहा था तब तक मैं और पूरा खाना बना ली थी। अब मैं इसे बेसन में भी अच्छा सा घोल बना के, जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे घोल बना ली हूँ मैं पहले से। अब मैं इसी में इसे तलूँगी, पहले इसे चाकू से थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, फिर मैं इसे तलूँगी। किन किन लोगों को ये पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग को वो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। अब मैं इसे तलूँगी, और अब आज बहुत लेट भी हो गया था और कन्या भी खिलाना था। वैसे मैं मंदिर चली गई थी, क्योंकि यहाँ ना मेरे घर के आस पास में मतलब लड़कियाँ नहीं मिलती हैं कन्या खिलाने के लिए, तो मंदिर पर जाना पड़ता है, तो वहाँ बहुत सारी कन्या लोग बैठी रहती हैं, मैं वहीं खिला के आ गई थी। नौ कन्या मैं भी खिलाई, नौ कन्या मम्मी भी खिला दी थी वहीं पे, तो वहीं फल लेके और जलेबी लेके वहीं खिला देते हैं, फल भी ले लेते हैं और जलेबी भी ले लेते हैं मीठा के लिए, तो वहीं हम लोग खिला के आ गए थे, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो गया था। और एक ही कन्या यहाँ मिलती हैं, तो घर पर भी खिला देती हूँ, एक लोग मिलती हैं तो वो मौसी की लड़की है, तो उसको भी खिला देते हैं, और वहाँ खिला के आ गए थे। अब मैं तल लूँगी इसे और पूरा खाना मैं बना ली हूँ। आप लोग देख सकते हो थाली रेडी है ब्राह्मण खिलाने के लिए, और यहाँ मतलब जो शादी होती है ना तब भी ब्राह्मण खिलाया जाता है, वैसे भी नवरात्रि का जिस दिन लास्ट डे रहता है उस दिन खिलाया जाता है, बट मेरे यहाँ शादी भी थी तो शादी का भी ब्राह्मण नवमी के दिन खिलाया जाता है, तो वही पूरा मतलब पीला चावल वाल भी बनाया जाता है, तो वो भी साइड में रखा है, तो मैं ब्राह्मण को खिलाऊँगी। और फिर एक मानस था और एक आराध्या थी, इन लोगों को मैं एक कन्या और एक नाहुला खिलाते हैं, तो वो मैं भी खिलाऊँगी। तो अभी छोटी लगा रही थी सिंदूर और तेल, मैं लगा ली थी पहले ही, फिर मैं कोई क्लिप नहीं ली थी जब मैं खुद लगाई थी, क्योंकि खुद नहीं लिए बस इन्हीं। और फिर उसके बाद में अब ये लोग खाएंगी, और इन लोगों को मैं घर पे क्योंकि ब्राह्मण खिलाना था ना, तो मैं कन्या के लिए कोई खाना नहीं बनाई थी, बस भी जो ब्राह्मण खिलाना था उन लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि जब शादी का पूजा रहता है ना तो मतलब उसमें किसी को पहले कुछ नहीं देना रहता है, पहले जब ब्राह्मण खा लेंगे तभी मतलब खाना निकालेंगे, तो इसीलिए मैं मीठा ही खिला दी थी घर पे भी। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।